दुनिया भर में मशहूर भारत के इस पुल की क्या है कहानी जिसका आज तक नहीं हुआ है उद्घाटन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ब्रिज के बारे में जिसका आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, फिर भी यह पुल दुनिया भर में फेमस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। यो तो भारत में और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इसमें से कई पुल ऐसे भी हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग ही पहचान रखते हैं। ऐसा ही एक पुल अपने भारत देश में भी है। यह पुल केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इस पुल से जुड़ी कई रोचक बातें जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल यह बात हो रही है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता की पहचान रहा है। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल हो चुके हैं, जिसके बावजूद यह पुल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। यह पुल इतना मजबूत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन फिर भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं हुआ और यह पुल वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौरान में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खम्बो वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया, जिसके बाद हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और सन 1942 में हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया भर में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा पुल था। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पिलर पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलर के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं भी कोई भी पिलर नहीं है। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में प्रयोग हुई स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए कोई भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि धातु से बनी कीलों का प्रयोग हुआ है। साल 2011 में यह सामने आया कि ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके पीछे की वजह तंबाकू थूकना बताया गया, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए स्टील से बने पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए, जो कि पुल की सेफ्टी के लिए किया गया था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।